हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी के सामने पेश है ऑल न्यू i20 जो कि अभी 5 नवंबर 2020 को लॉन्च हुई। तो ये कुछ इसकी फ्रंट प्रोफाइल है। बात करें अगर इसके वेरिएंट की, तो ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं स्पोर्ट वेरिएंट है और कंपनी से 4 वेरिएंट में लॉन्च करती है, जो कि मेघना, स्पोर्ट, आस्टा, आस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है की कुछ इस तरह, जिसमें आपको लॉक अनलॉक मिल जाएगा। ये फ्रंट प्रोफाइल है कुछ न्यू i20 की, तो ये देख सकते हैं साइड प्रोफाइल इसकी काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ हुंडई ने प्रेजेंट किया इस बार इसको। तो ये सामने आपको मिल जाती है ब्लैक कलर की ग्रिल, जो इसमें कि बीच में हुंडई का लोगो मिल जाएगा। और ये मिल जाते हैं हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको इसमें विद टर्न इंडिकेटर, और इसके नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और ये देख सकते हैं आपको मिलते हैं स्टील रिम्स जो कि 16 इंचेस के हैं, लुक लाइक अलॉयस लगते हैं, कवर किया हुआ है। और ये आपको बॉडी कलर में मिल जाता है ORBM विद टर्न इंडिकेटर, ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, जो कि ऑटो फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल होंगे। ये डोर भी आपको बॉडी कलर में मिलती है। ओपन करते दिखाते हैं इसके विंडो में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ इस बार इसका इंटीरियर बनाया है, पुरानी वाली से काफ़ी चेंज कर दिया है। तो अभी इसको पूरा कवर करेंगे, पहले दिखाते इसका रियर व्यू। ये देख सकते हैं आपको जेट सेप में इसकी बैक टेल लाइट मिलेंगी, जो कि इसके लुक को काफ़ी इनहेंस कर रही है। ऊपर यह हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाएगी, साफ टेन एंटीना आपको मिल जाएगा ऊपर, और डीप फॉगर और विद वाइपर, सॉरी इस वेरिएंट में वाइपर नहीं आता है। देख सकते हैं जेट सेप में आपको इसकी टेल लाइट LED मिलेंगी, LED टेल लाइट्स, और i20 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इसमें। ये i20 की बैचिंग मिल जाएगी, बीच में हुंडई का लोगो मिल जाता है आपको। ये बैचिंग देख सकते हैं i20 की, नीचे पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा भी आपको मिल जाता है। तो देख सकते हैं आस्टा की भी, सॉरी स्पोर्ट की भी बैचिंग मिल जाएगी। अब दिखाते हैं आपको बूट स्पेस। तो बूट स्पेस की बात करें तो आपको मिल जाता है इसमें 311 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। ये देख सकते हैं कुछ ऐसी प्रोफाइल दिखेगी, काफ़ी बेहतरीन बूट स्पेस दिया हुआ है। ये इस पर टायर देख सकते हैं जो कि स्टील रिम 15 इंचेस का आता है। ये जो पांचवा टायर है आपको 16 इंचेस का नहीं, 15 इंचेस का देती है कंपनी। तो अब दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर। ये देख सकते हैं डोर में चारों पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, लॉक अनलॉक चाइल्ड लॉक मिल जाता है। और ये देख सकते हैं स्पीकर आपको मिल जाता है। इस वेरिएंट में बोस के स्पीकर नहीं मिलते हैं, बॉटल होल्डर मिलता है। ये मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल भी इसमें दिया हुआ है सीट में। तो ये कुछ की है इसकी। अब बैठते हैं, देखते हैं अंदर का इंटीरियर। ये देख सकते हैं बीच में हुंडई का लोगो मिल जाएगा स्टीयरिंग में, और ये MID के कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कुछ कॉल्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कुछ म्यूजिक के। ये देख सकते हैं आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि पूरा डिजिटल है, काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ इस बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हुंडई ने पेश किया हुआ है। राइट साइड में आपको RPM मीटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, ये लाइट्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं आपको मिल जाता है टच स्क्रीन पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम का, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। 2 AC इवेंट, बीच में 1000 लाइट आपको मिल जाएगी, और ये मैनुअली AC कंट्रोल मिल जाएंगे इस वेरिएंट में आपको AC के कंट्रोल्स। उसके नीचे ये USB पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये कुछ स्पेस मिल जाता है। ये 5 ट्रांसमिशन मैनुअल मिल जाएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन, ये 2 आपको मिल जाते हैं बॉटल होल्डर, ये हैंड ब्रेक। तो ये कुछ इसका है इंटीरियर। ये देख सकते हैं ग्लव बॉक्स काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ पेश किया है इस बार, एक ग्लव बॉक्स में इतना स्पेस है। इस डोर में भी आपको डोर ओपनर मिल जाता है ब्लैक कलर का, और ये वाटर होल्डर स्पीकर मिल जाता है। ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको रीडिंग लाइट मिल जाएगी, ये सनवाइजर मिल जाता है विथ वैनिटी मिरर। इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है ड्राइवर साइड। इसका जो इंटीरियर इस बार काफ़ी पुरानी वाली से चेंज कर दिया, जो कि इसको लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। बैक में देख सकते हैं आप इतना कुछ स्पेस मिलेगा स्पोर्ट वेरियंट में। तो अब चलते हैं गाड़ी को वॉक करते हैं, चलते हैं रियर सीट में, देखते हैं कितना क्या स्पेस है। तो काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ इस बार इसको पेश किया हुआ है हुंडई ने। तो ये रियर सीट देख सकते हैं, इस विंडो में आपको मिलता है पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा, नीचे वही आपको कुछ स्पेस स्पीकर मिल जाता है। तो बैठते हैं देखते हैं कितना क्या है इसका लेग स्पेस। ये 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे रियर साइड में आपको, इंटीरियर कुछ ऐसा दिखेगा पीछे से। और उसी के नीचे आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है इसमें AC वेंट के नीचे। ये लेग स्पेस भी ठीक ठाक इसका है। उधर डोर में भी वही आपको पावर विंडो का कंट्रोल डोर ओपनर मिल जाएगा। और बात करें अगर इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं आपको, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। बात करें इसके गाड़ी की लेंथ के बारे में, तो मिल जाती है 3995 mm लेंथ मिलेगी, विथ की बात करें तो 1775 mm मिलेगी, हाइट की बात करें तो 1505 mm मिलेगी। तो ये था कुछ आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।